हेलो दोस्तों, निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने एक्स वाई तल में निर्देशांक बिंदु को आलेखित करना सीखा। आज हम उसी से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इन निर्देशांक बिंदुओं के युग्म में से कौन से युग्म की एक्स अक्ष से दूरी समान है? चलिए मैं आपको एक संकेत देता हूँ। यहाँ आपको आलेख बनाकर जांचने की आवश्यकता नहीं है, आप उत्तर सोचने के लिए वीडियो पॉज कर सकते हैं। सबसे पहले हम कुछ मूल बातों पर ध्यान देते हैं। एक्स अक्ष से किसी भी बिंदु की दूरी उसका वाई निर्देशांक होती है, यानी जिस युग्म के वाई निर्देशांक समान हैं, उन बिंदुओं की एक्स अक्ष से दूरी समान होगी, और उसी प्रकार वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी उसका एक्स निर्देशांक होती है, यानी जिस युग्म के एक्स निर्देशांक समान है उन बिंदुओं की y अक्ष से दूरी समान होगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इन विकल्पों में से तीसरा विकल्प सही उत्तर है। आप इन विकल्पों को xy तल में आलेखित करके भी अपने उत्तर जांच सकते हैं। मुझे आशा है कि आप इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो बताइए कि दिए गए इन निर्देशांक बिंदुओं के युग्म में से कौन से युग्म की y अक्ष से दूरी समान है। आप वीडियो पॉज करके इस प्रश्न को खुद हल करने का प्रयास करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प दो, जिसके x निर्देशांक समान है। दोस्तों, आप इन विकल्पों को xy तल में आलेखित करके भी अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस सत्र में हमने xy तल में निर्देशांक बिंदु को आलेखित करने से संबंधित तथ्यों पर चर्चा की। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।